संख्याओं का दशमलव प्रसार याद कीजिए। चलिए फर्स्ट देखिए, 15/4 ये सरलतम रूप में है, अब इसे भाग देने की जरूरत नहीं है, आप इसे नीचे 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो जितना जितना बार नीचे 2 होगा उतना ही बार 5 भी होना चाहिए, तो 5 का पावर 2 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो 15 × 5² = 25 और नीचे 10 का पावर 2, और 25 में इससे मल्टीप्लाई कर देते 15 में, तो 375 और बट्टा में 10 का पावर 2, दो अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 3.75 आ जाएगा। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, 91/16 दिया हुआ है, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा नहीं ना जी, 91 और बट्टा में नीचे 16 को 2 का पावर 4 कर देते हैं, तो 91 बट्टा में 2 का पावर 4 और गुना में 5 का पावर 4 अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करें, समान घात वाला नीचे होना चाहिए 2 और 5 का, यहाँ पे 91 और गुना में यहाँ पे हो जाएगा 625 और बट्टा में 10 का पावर 4, ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, तो 5, 6, 8, 7, 5 और बट्टा में 10 का पावर 4, चार अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 5.6875 हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर तीन नंबर, 258/125, तो हम लोग लिख सकते हैं 258/5³, तो नीचे 2 का पावर 3 उतना भी चाहिए, तो 2 का पावर 3 ऊपर भी और नीचे भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 258 × 8, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 3, तो इसमें ऊपर गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2064 और बट्टा में 10 का पावर 3, तीन अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2.064। फिर अब इसका चार नंबर देखते हैं, दिया हुआ है 13/ कितना दिया है जी, 50,000 है ना, 4 को 0 है, 2, 2, 4 को 0, तो अब अगर हम 50,000 की बात करेंगे तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए 50,000 है ना जी, चलिए अब आज उल्लंघन करके देखते हैं, उधर लास्ट में ले चलना 50,000 का 4 × 0 होगा, चलिए 2 से ले जाते हैं 25,000, 125 के ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, 12,500, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से ले जाते हैं तो 625 जीरो, फिर 2 से ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1, 2, 5। चलिए फिर अब इसके बाद कितना से जाएगा आप देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 से ले जाएंगे तो 625 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 125 बार में, 125 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 5 बार में, तो आप नीचे देखो 2 का पावर 4 और यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो खाली एक 2 का कमी है, तो आप 2 से 1 गुना कर दो, ऊपर आप कर दोगे 13 × 2 और बट्टा में 2 का पावर 5 और गुना में 5 का पावर 5, यानी 13 × 2 = 26 हो जाएगा, 26 और बट्टा में 10 का पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दशमलव के 5 अंक स्थानों तक आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 0.00026 आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं इसका 5 नंबर, तो दशमलव प्रसार शांत तो दिख नहीं रहा, तो इसको पूर्ण भाग विधि से ही करना होगा, ठीक है, 43/19 कितना बार में, 0 दशमलव कितना बार में ले जाते हैं जीरो लगाने के बाद, तो 4 बार में चला जाएगा, तो 43 और गुना में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 172, तो घटा लेते हैं यहाँ पर 8, 1, 18, फिर 1 जीरो लगेगा यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, तो फिर आपका 4 बार में ही ले जाएंगे 172, फिर यहाँ आपका आ जाएगा कितना, 8, फिर 0 ले जाएंगे, फिर कितना बार में, 1 बार में ले जाएंगे 43, फिर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 आएगा, फिर 0 ले जाएंगे तो कितना बार में ले जाएंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग 8 बार में लेके जाएं तो कितना आ जाएगा, 43 में 8 से गुना करिएगा तो आपका 344, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ 6 में से जाएगा 2, 26, इसी तरह से लेके चले जाएंगे, ये देखो एक्चुअल में यहाँ पर फिर अब कितना बार में जाएगा, लेके जाके देखते हैं कितना बार जा रहा है, 43 में अभी से अब हम लोग कितना बार में लेके जाएंगे, 6 बार में लेके जाएं क्या, हाँ 43 में 6 से गुना करके देख लो कितना आ जाएगा, 258, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा, अब इसके बाद ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 बार में ले जाएंगे तो वही 172 हो जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 172 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ 2, फिर 0 ले जाएंगे, तो अब कितना बार में ले जाएंगे, 4 के बाद यहाँ पे 6 बार में ले जाते हैं, 6 बार में ले जाते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा, 43 में 6 से गुना करेंगे तो 258, यहाँ पे फिर आपके कितना बच गया, यहाँ पे आपका 7 2 आएगा 22, फिर 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद कितना बार में ले जाएंगे, 5 बार में ले जाते हैं, 43 पंजे कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 215,
215, फिर 5 बचेगा, 0 लगेगा, फिर एक बार में जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका एक बार में ले जाएंगे तो आपका 43, फिर 7 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर आपका एक बार में जाएगा, ऐसे ही करके आगे कटेगा। तो इतना ही काफी है दशमलव के बाद कितना प्लेस तक निकालेंगे, ठीक है, रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।